मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरजीएस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट रिवीजन क्लास एंड द चैप्टर नेम इज वाटरफॉल लाइट। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। और आज कौन सा लेसन रिवीजन करवाने जा रही हूँ? आज लेसन 12 और चैप्टर का नाम क्या है? वाटर और लाइट, है ना। हमारे लिए वाटर क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना हमारे लाइफ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस लेसन का आपका जो भी एमसीक्यू एक्सरसाइज है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, या पिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपके लेसन में जो दिया गया है, आज मैं आप लोग को अच्छे से रिवाइज करवाने जा रही हूँ, उसको समझाने जा रही हूँ, ताकि आप अच्छे प्रकार से इस लेसन को आप पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं इस एक्सरसाइज को समझाने से पहले आपको इसके बारे में फिर से बताने जा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ताकि आपको फिर माइंड में क्या हो जाए, वो जो लेसन है अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले तो आप इस लेसन में क्या पढ़े थे कि जो वाटर है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिना वाटर के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। हमारा हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवल ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, एनिमल्स और प्लांट दोनों के लिए क्या है, वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग, एसेंशियल चीज है, है ना हमारे लाइफ। अगर आप प्लांट में वाटर नहीं डालते हो तो प्लांट क्या होता है, वो सूख जाता है कुछ दिन के बाद, है ना। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए। एनिमल्स को आप लीजिए, एनिमल्स है उनको ड्रिंक करने के लिए वाटर चाहिए। और ह्यूमन बींग का हर काम वो क्या से होता है, वाटर। आप सवेरे उठते हो, ब्रश करते हो, भी वाटर के से ही करते हो, धोते हो, साथ में उसके बाद क्या है, आप बात करते हो, आपकी मम्मी जो भी खाना बनाती है, या घर में जो बर्तन है या रूम है, जो चीज भी साफ होता है, क्या चीज के द्वारा, वाटर के। तो आप देख रहे हो बच्चों कि वाटर हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट लगता है ना। वो वाटर क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारे लाइफ के लिए, सबके लिए, है ना। तो आज आपने इस लेसन में ये पढ़ा था, आज आप लोगों को मैं उसके एक्सरसाइज समझाने जा रही हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से लर्न कर सके, समझ के इसको बना सके। आपसे जो भी कोई पूछे या आपको एग्जाम में आए, तो आप इसको अच्छे से समझ के उसका आंसर दे सको। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है, ही इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। क्या चीज बहुत ही एसेंशियल है, जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, तो क्या है, वाटर। वाटर क्या है, हमारे लाइफ का बहुत ही एसेंशियल थिंग है, है ना, बहुत ही आवश्यक चीज है। सेकेंड क्या है, प्लांट्स टू नीड वाटर। प्लांट्स एंड प्लांट के साथ साथ और किसको आप वाटर की आवश्यकता होती है, तो आप क्या लिखोगे, एनिमल्स। प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को भी वाटर की आवश्यकता होती है, वो भी बिना वाटर के जीवित नहीं रह सकते। थर्ड क्या है, वी शुड नॉट वाटर। क्या नहीं करना चाहिए वाटर का हमको, हम लोग को वाटर का वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखते हो बहुत जगह पानी का नल खुला हुआ है, वो हम लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आप ब्रश करते हो, नल खोल करके छोड़ देते हो, जब तक ब्रश करते तब तक वो पानी क्या होता है, गिरता रहता है। तो हम लोग को पानी को वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
वाटर जो है बहुत ही प्रीशियस थिंग्स है, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, हम लोगों को उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ये तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब क्या है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या है, प्लांट नीड वाटर टू, प्लांट को वाटर जरूरत है। क्यों जरूरत है, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, फर्स्ट है ग्रो, सेकेंड है लीव एंड ग्रोथ, क्या है दोनों। तो प्लांट हमारे ये प्लांट के लिए वाटर क्यों जरूरी है, वो ग्रो भी करते हैं और बिना पानी के वो जीवित नहीं रह सकते। तो आप क्या पे लगाओगे, ग्रोथ पे लगाओगे। क्या पे लगाओगे, ग्रोथ पे। सेकेंड क्या है, एनिमल नीड वाटर टू, एनिमल को वाटर क्यों जरूरी है। तीन ऑप्शन है आपके सामने, ड्रिंक है, पंप है, बोट है। तो आप क्या लिखोगे, ड्रिंक, एनिमल्स को जो वाटर है क्यों जरूरी है, पीने के लिए, क्योंकि उसे हंड्री शिकार करना, उसे शिकार करते नहीं है, और बोट दोनों। तो एनिमल्स को वाटर क्यों जरूरी है, ड्रिंक करने के लिए। तो आप ड्रिंक में टिक करो। ओके, अब क्या है, वी नीड वाटर टू। अब आपने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा, अब आपको किसके बारे में पढ़ना है, अपने बारे में, कि हम लोग को पानी क्यों जरूरी है, वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ ड्रिंक है, बाथ है, बोथ है। तो हमारे लिए पीने के लिए भी जरूरी है और नहाने के लिए भी जरूरी है, आप क्या लिखोगे, बोथ। ओके, आ गया समझ में, क्या हो जाएगा, बोथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा, आप अपने घर पे अच्छे से लर्न कर लोगे, क्योंकि आपका पोस्ट मीट एग्जाम आने वाला है।